नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ वाक, जो कि ललदत्त द्वारा लिखा गया है, इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार एग्जाम में आपको MCQ भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले बच्चों, मैं बहुत सारे चैप्टर का MCQ बना चुकी हूं और क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बनाई हूँ। उनको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वाक का MCQ प्रश्न उत्तर। इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न है यह, और इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक सही रहेगा। आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है, या नीचे आपको आंसर क ख ग जो भी होगा उसको लिखने के लिए जैसा निर्देश एग्जाम में दिया जाएगा उस तरह से आप कीजिएगा। तो यही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए एक एक करके ध्यान से याद कर लीजिएगा। मैं टिक भी लगा दी हूँ और नीचे इसका आंसर दिया भी हुआ है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कभी बीच में मिलान कर लें कि सही है या गलत है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सारा सही उत्तर में टिक लगाई हूँ, तो आपको नीचे इतना ज़रूरत नहीं है आंसर शीट देखने का, क्योंकि सारा का सारा मैं सही आंसर में टिक लगाई हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे MCQ प्रश्न उत्तर, ललदत्त का है। ललदत्त का पहला पैराग्राफ है कविता का, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो ये पैराग्राफ है और इसमें इतने सारे क्वेश्चन आंसर इसका बनेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कच्चा धागा किसका प्रतीक है? क कच्चे प्रेम का, ख सच्चे प्रेम का, ग कमजोर और नाशवान सहारे का, घ इनमें से कोई नहीं। तो कच्चा धागा किसका प्रतीक है? इसका उत्तर ग है, कमजोर और नाशवान सहारे का। दूसरा है, सहारे का या शरीर का भी बोल सकते हैं, कमजोर और नाशवान शरीर का। दूसरा है, कच्चे सकोरे का क्या आशय है? क स्वाभाविक रूप में कमजोर प्रयास, सार्थक प्रयास, मुक्ति की आकांक्षा, भवसागर पार करने का माध्यम। तो कच्चे सकोरे का क्या आशय है? इसका उत्तर है स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास। तीसरा प्रश्न है, कवित्री को किस घर जाने की चाह हो रही है? क अपने माँ के घर, ख आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा के घर, ग अपने प्रियतम के घर, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कवित्री को किस घर जाने की चाह हो रही है? इसका उत्तर ख है, आत्मा का परमात्मा से मिलन या परमात्मा के घर। चौथा प्रश्न है, कवित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं? क उसके प्रयास कमजोर हैं, ख उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया है, ग वह मोहग्रस्त है, घ वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है। तो इसका उत्तर है, कवित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते क्यों बंद हैं? इसका उत्तर है ख, उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया है। आगे पांचवा प्रश्न है, रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है? क बंधन के लिए, ख जीवन रूपी डोर के लिए, ग ईश्वर प्राप्ति के लिए हो रहे प्रयासों के लिए, घ परंपरा के लिए। तो रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर ख है, जीवन रूपी डोर के लिए। आगे उत्तर है इसमें, हाँ आगे फिर से पहला शुरू होता है इधर, ललदत्त का जन्म कब हुआ था? क 1320 में, ख 1520 में, ग 1420 में, घ 1620 में। तो ललदत्त का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर क है, 1320 ईस्वी में। दूसरा है, ललदत्त का जन्म कहाँ हुआ था? क हिमाचल प्रदेश में, ख श्रीनगर में, ग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमरा गांव में,
और घ मणिपुर में। तो ललदत्त का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर ग है, कश्मीर स्थित पामपोड़ के सिमरा गांव में। तीसरा प्रश्न, ललदत्त को जन्म में से किस नाम से नहीं जाना जाता? लल्लेश्वरी, लल्ला योगेश्वरी, लल्ला रिफा और लंकेश्वरी। तो इसमें से घ उत्तर है लंकेश्वरी। चौथा प्रश्न, ललदत्त द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? क दोहा, ख पद, ग वाक, घ सवैये। तो ललदत्त द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? वाक कहते हैं, कश्मीर भाषा में वाक कहा जाता है। जैसे हम लोग दोहा बोलते हैं, पद बोलते हैं, तो वहां पर वाक बोला जाता है। तो ललदत्त द्वारा रचना को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, कच्चे धागे किसका प्रतीक है? क वस्त्र का, ख डोर का, ग कर्मों का, घ कमजोर व नाशवान सहारे का। तो कच्चे धागा किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है घ कमजोर व नाशवान सहारे का। सिक्स नंबर प्रश्न है, भव सागर में कौन सा अलंकार है? क उपमा, ख रूपक, ग अनुप्रास, घ यमक। तो भव सागर में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर ख है, रूपक। सातवा प्रश्न, संभावी का क्या अर्थ है? क ईश्वर के साथ संभाव रखना, ख प्राणियों के साथ संभाव रखना, ग ईश्वर की साधना करना, घ कर्म करते रहना। तो संभावी का क्या अर्थ है? उत्तर सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना। आठवां प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या तात्पर्य है? क प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना, ख दरवाजा खुलना, ग परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुल जाना, घ संसार से विदा होना। तो बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना। नाइन नंबर प्रश्न है, माझी का यहाँ क्या अर्थ है? क नाविक, घ मध्यस्थ, ग ईश्वर, घ गुरु। तो माझी का क्या अर्थ है? तो इसमें माझी का अर्थ उत्तर है ग ईश्वर। दस नंबर प्रश्न है, हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? क जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, ख जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, घ जब हम स्वयं को जानेंगे। तो हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? इसका सही उत्तर है घ जब हम स्वयं को जानेंगे। 11 नंबर प्रश्न, वाक किसे कहते हैं? क एक पक्षी का नाम है, ख वाणी को वाक कहते हैं, ग कश्मीर में कविता को वाक कहते हैं, घ वाक ईश्वर भक्त को कहते हैं। तो वाक किसे कहते हैं? इसका उत्तर ख है, वाणी को वाक कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न, जेब टटोलने का प्रतीकार्थ क्या है? इसका उत्तर है आत्मा अवलोकन करना, आत्मावलोकन करना। जेब टटोलने का क्या अर्थ है? अपने आत्मनिरीक्षण करना या आत्मावलोकन करना। इसका उत्तर क है। 13 नंबर प्रश्न है, रस्सी का प्रयोग कवित्री ने किस लिए किया है? क ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ख रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, ग रस्सी बंधन का प्रतीक है, घ रस्सी मोहपास का प्रतीक है। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या है? रस्सी का प्रयोग कवित्री ने किस लिए किया है? तो इसका उत्तर है ख रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, समखा तभी होगा संभावी, पंक्ति में निहित अर्थ बताइए। तो इसका है क यमक, ख रूपक, घश्लेष और घ उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है, यानी इसका उत्तर क सही है। 15 नंबर, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, पंक्ति में अर्थ बताइए। क यमक, घश्लेष, ग रूपक, घ उपमा। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। इसका उत्तर ग सही है। और बच्चों, इसमें आप उसी का देखिए, नीचे सारा आंसर दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन का नीचे आंसर दिया हुआ है। तो इसको आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन मैं सारा सही उत्तर में टिक लगाई हूँ।
तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह याद कर लीजिएगा एक एक करके। आशा है आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जीवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों, धन्यवाद।